अस्सलामुअलैकुम नाज़िम, मैं शेफ फैसल तांदी सोफिया कुकिंग शो। मेरा सब खैरियत हूँ। जो रेसिपीज ठाईंदा आहियूं, पैसिफिक कुकिंग ऑयल सां गॾु विटामिन ए ऐं डी खां भरपूर, कोलेस्ट्रोल खे कंदो आहे कंट्रोल, पंहिंजनि जो प्यार। पैसिफिक कुकिंग ऑयल मुहरम स्टार्ट थी चुको आहे। मां तव्हांखे चयो की शरबत ठाहींदासीं, कुझु अहिड़ा खाधा हूंदा, हलीम हूंदी, पुलाउ हूंदो, जेको न्याज़ में असां कंदा आहियूं। त अॼु मां टे क़िस्म जा शरबत तव्हांखे ठाहिणु सेखारियां पियो, जेको तमामु फ़ाइदेमंद बि आहिनि ऐं तमामु बहितरीन ऐं बिल्कुलु ईज़ी वे में तव्हां ठाहे सघो था। ऐं न्याज़ जॾहिं तव्हां कंदा आहियो या शरबत विराईंदा आहियो, त पोइ इहे वारा फ्लेवर्स, टे फ्लेवर्स हूंदा, जंहिंमें गुलाब जो शरबत आहे, इलायची जो शरबत आहे यानी नंढे फुटनि जो ग्रीन कलर जो शरबत थींदो, ऐं हुन सां गॾु बादाम जो शरबत, जेको तव्हां ठाहिणु चाहियो। ऐं उहो बि पंहिंजी फैमिली लाइ ठाही तव्हां घर में रखी सघो था, फ्रिज में रखो ऐं बोतल में भरी तक़रीबन टे महीननि ताईं ख़राबु न थींदो आहे। ठीकु आहे, टे महीना हलंदो आहे, एॾो सुठो शरबत आहे। त हिनखे नोट कजो, सुबुह जो 11:05 ते रिपीट हलंदो ऐं कुकिंग विद शेफ जो पेज हुते रेसिपीज़ अपलोड थी वेंदियूं आहिनि। ठीकु आहे, इलायची जो शरबत ठाहींदासीं सभिनी खां पहिरीं। ठीक है, आज जो बना रहे रेसिपी, हम बनाएंगे इलायची का शरबत। ठीक है, वो ग्रीन कलर में होगा, उसके साथ में बनाऊंगा गुलाब का शरबत, रेड कलर का होगा, और उसके अलावा बादाम का शरबत बनाएंगे। और ये शरबत इस तरह के हैं कि आप बना के 3 महीने तक इसको रख सकते हैं। ठीक है, और जिस बोतल में रखे हैं उसको नीम गर्म पानी के साथ थोड़ा सा बॉयल करें, स्टरलाइज हो जाएगी, उसको फिर आपने ठंडा करना है बोतल को, फिर उसमें आप भर के इसको रखें, लेकिन वो ड्राई होनी चाहिए, पंखे के नीचे सीधी रख दें बोतल, अंदर पानी बिल्कुल एक ड्रॉप भी ना हो। ठीक है, फिर इसको आप भर के रख दें और ये काफ़ी अर्से तक चल जाता है, 3 महीने आप फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। उसकी क्वान्टिटी भी बताऊँगा कि एक गिलास के हिसाब से आपने कितना डालना होता है। जिस तरह हम शरबत लेते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के बने हुए बॉटल्स मिलते हैं, खासकर जैसे रमज़ान में हम यूज़ करते हैं, तो ये वाली उसी तरह का ही शरबत होगा। ठीक है, एक बादाम का शरबत होगा वाइट कलर में, ग्रीन इलायची का शरबत, रोज़ का लाल शरबत होगा, गुलाब का शरबत। ठीक है, इतने ब जग तकरीबन 6-7 या 8 गिलास, ठीक है, 7 या 8 गिलास ब जग के करीब पानी खणंदो, नंढा फोटा थोड़ा कुटे वठजो हल्का सा। ठीक है, उनखां पोइ इनखे पानी में पिसाए रखजो घटि में घटि 5-6 कलाक या सॼी राति हुजे त वधीक सुठो, इन जे अंदरि ख़ुशबू अची वेंदी पाणी जे अंदरि। ठीक है, छोटी इलायची आपने एक मुट्ठी भर लेनी, यानी एक कप जितनी, चाय का कप, मग नहीं लेना। ठीक है, चाय के कप जितनी आपने छोटी इलायची लेनी, हल्का सा उसको कूट लें ताकि उसके दाने निकल आते हैं। ठीक है, हल्का सा या हाथ से थोड़े थोड़े खोल के पानी में आपने भिगोना है, 7-8 गिलास पानी ले लें, कम अज़ कम 6 घंटे इसको भिगो के रखना है। ठीक है, या नहीं तो फिर आपने क्या करना है, इसको पूरी रात भिगो के रखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बॉयल करेंगे, इसको हम एक पतीले में या कढ़ाई में डाल के बॉयल करेंगे। बॉयल करने में ऐसे क्या होगा, इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा और फिर इसमें चीनी और जो जो चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, ज़बरदस्त यह रेसिपी है। ठीक है, इतने देखो, इसको आपने पहले क्या करना है, पानी में गर्म करने से पहले इसको हाथ से मसल लें। ठीक है, इस तरह हाथ से मसल लें, इस तरह क्या होगा, इसके सारे बीज निकल आएंगे। ठीक है, इस तरह आपने अच्छी तरह मसलना है, जितने हैं सबके बीज आपने निकाल लेने, हाथ धो के अच्छी तरह, चंगी तरह हथ धोए, इनके 6 कलाक पहले पिसाए रखो, उनखां पोइ हिकिड़े हिकिड़े दाणे खे मसलंदा वेंदो त इनजा बिज जेके आहिनि सभु निकिरी अचनि। ठीक है जी, पाणी नॉर्मल आहे। ठीक आहे, सादो पाणी आहे, हिन पाणी में पिसाइणी आहे इलायची नंढा फोटा, 6 कलाक या सॼी राति पिसाए रखिजो, 2 जग पाणी खणी वठिजो, 7-8 गिलास पाणी। ठीकु आहे, हिनखे खोलण जो मक़सदु इहो आहे की इनजा बिज जेके आहिनि इहे सभु निकिरी ईंदा, ऐं हीअ जॾहिं बॉयल थींदो, हिनखे 15 मिंट बॉयल कंदासीं। ठीकु आहे, नंढे पुटनि खे 15 मिंट बॉयल करे पोइ हिनखे छाणबो। ठीकु आहे, इसको हमने इस तरह मसल देना है, सारे हाथ धो के अच्छी तरह वॉश करके, आपने जो भिगोई हुई है इलायची नरम हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, नीम गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं इसको, लेकिन पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। सारी इलायची इस तरह तोड़ दें, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आने लगी है क्योंकि नरम भी हो गई है और ये बिल्कुल बीज इसके निकल आए। ठीक है, अब इसको हम डाल देंगे पतीले में, वधीक गर्म थी हुआ। ठीक है, पूरा इसी पानी के साथ इसको आपने पतीले में डाल देना, इसके सारे बीज भी इसमें चले जाएँ। ठीक है, ये पूरे डालें, इसको आपने 15 मिनट बॉयल करना है, 15 मिनट ये बॉयल होगा। ठीक है, फिर इसमें हमने इसको छानना है और फिर इसकी हम बनाएंगे चाशनी, इसी के अंदर बनाएंगे और इसमें ग्रीन कलर भी जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान रेसिपी है, ऐं इनखे खीर सां गॾु बि ठाहिबो आहे, खीर में विझी ठाहे सघो था इलायची जो शरबत। ठीकु आहे, ऐं सादो पाणी, थधे पाणी सां गॾु बि ठाहे सघो था, उहे बि ॿई तरीक़ा मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि की खीर केतिरो विझणो आहे ऐं पाणी केतिरो विझणो आहे। ठीकु आहे, इहे मुहरम की वजह सां मां बना रहो, इनशाला
खमीस वाले ढी हलीम ठाईंदी पुलाव आए वो वरी जुमे वाले ढी ठाईंदी न अठ सत अठ मोहरम ताई ये सब रेसिपीज तक कंप्लीट कराइंदी सुभाने भी दिसो सुभाने भी डिफरेंट होंद इन तरीके से ठीक है इनके चंगी तरह हाँ बॉयल कजो फुल आँच पे ठीक है फुल आँच पे आपने इसको 15 से 20 मिनट बॉयल करना है ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ठीक है इलायची का बीज जो है ये बॉयल होगा इसके अंदर यो स्टार्ट क्यों था इनका पो सेकंड रेसिपी छाए अच्छा इनमें खंड केतरी विंदी सजी क्वांटिटी में बाद में बुधा इतने बादाम जो जो शरबत ठंडो होने ला खी बादाम केतरा एक कप बादाम ठीक है एक कप बादाम तकरीबन दह खी दह सॉरी दह नंडा फोटा ठीक है एक खाने जो एक कप बादाम दह नंडा फोटा ये सब तुम जूसर ब्लेंडर जो हों ठीक है अच्छी को ही ब्लेंडर है ठीक है इसमें आपने डाल देना है एक कप आपने बादाम लेना है और 10 अदद आपने छोटी इलायची लेनी है ठीक है ब्लेंडर में डालें और एक से डेढ़ कप पानी डाल के इसको इतना ब्लेंड करना है कि इस तरह का पेस्ट बन जाएगा ठीक है छिलके के साथ कर लें या बगैर छिलके के बॉयल करके भी कर सकती हैं मैंने छिलके के साथ किया क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे वैसे भी हमने इसको छानना है ठीक है बाद मानू छा कहते हैं इनके बॉयल कहना है बॉयल करने का पोन जी खल लाइंदा है पोह पेस्ट ठाईंदा है लेकिन वो खादे में विझण ला असेंगे शरबत ठाणो है तो सजा साबित बादाम ब पीस कर वो साबित जूसर मशीन में विधा एक कप जितना होजन खपन ठीक है तकरीबन अद पा थींदा उन नंढा फोटा दह का बारह अदद वो विझी पानी डेढ़ कप या एक कप सवा कप पानी अंदाजे से विझी इनके ब्लेंड कजो इन तरीके जो ये पेस्ट ठही वो इनके कटी रखी छोड़ो ठीक है ये ठाई बादाम जो शरबत इन लाइ अस खंड खड़ी टे कप ठीक है इतने खंड की क्वांटिटी बहुत पी है टे कप खंड वी इनमें ये है अरके गुलाब या केवड़ा वाटर खी वो ठीक है यो एक खाने जो चमचो वो इनके ब्लेंड कंदी जो चाश ठाईंदी सजो तरीकेकार बुधाइंदम ठीक है ये बिल्कुल आसान तरीका है यहाँ पे देखें इलायची में बॉयलिंग आने लगी है पहले हम ग्रीन वाला शरबत बनाएंगे ताकि मिक्स ना हो आपको समझ आ जाए अच्छी तरह इसको आपने 15 मिनट बॉयल करना है फुल आँच पे ठीक है चंगी तरह ये बॉयल थो फुल बाहे थे अच्छा इनमें खंड केतरी वी इनमें खंड अस विझासी 750 ग्राम यानी टे पा ठीक है तीन पाव आपने चीनी डालनी है इसमें 750 ग्राम जो हम इलायची में डालेंगे ठीक है इलायची का शरबत बनेगा इसमें 750 ग्राम यानी तीन पाव चीनी डलेगी और इसमें शरबत से आप कितने जग बना सकते हैं ये भी मैं बता दूं इस क्वांटिटी में एक कप जैसे चाय का एक कप होता है वो एक जग में आप डालेंगे ठीक है तो इसमें जितने कप होंगे तकरीबन कम से कम इसमें आपके बनेंगे 15 कप ठीक है 15 से 16 जग जितना आपने ये शरबत बना सकते हैं ठीक है 15 से 16 जग बन जाते हैं एक जग में 4 से 5 ग्लास निकलते हैं तो काफ़ी सारे ग्लास निकलेंगे कॉल बट होता अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी साईं कह रहे हैं किथा गलाया पिया अदा शदाब कोट मां वफा सनी बारगे से बुलाया था जी छा हाल है ता जा बहुत कुछ खैर भाऊ ता को सवाल करो बिल्कुल कयो साईं जी भाऊ बाजी में जे करे लूण घणो पे जी ने तो को न बुला छा कजे ताए जे करे छाशे वरी बुधाए जो मेहरबानी प्लीज वरी बुधाए जो छाशे में धाणो छाचियो ता कहीं भी भाजी में मुर्गी में या चोलन में दाल में जर लूण घो पी वे तो कहें मिर्च ज्यादा पे तो उनके अच्छा ठीक है लूण पी वे तो लूण जो तो वही देसी तरीको यो है कि अट्टो जी अस गोयल अट्टो हों ठीक उनो एक बॉल टाई विझी छो उनमें थोड़ा खीर विझी छा कर गड अगर भाजी में अद कप जो खीर या उनका 4-5 खाने जा चमचा खीर विझी उनके पचाई तो दम से रखी छो पानी निकली वो तो धोई ना सकूँ अगर पेजी वो कजो कि उनके छानी में विझी छो पानी अद कटी वो ठीक है शोरबो जो हों अद कटी वो उनके वरी ठाजो उन हिसाब से उनमें गाढ़ा मिर्च थोड़ा और गरम मसालों के जरूरत की शेयर वो वरी विझी तक ठाई सो लेकिन खीर जो इस्तेमाल कजो या दही विझी छो ब खा टे खाने जा चमचा उनका लूण बैलेंस थी वो अगर मिर्च थी तो वन मिर्च के घट कर भी यही तरीकेकार है कि तक बोड़ है उनमें थोड़ा कढ़ी वो ठीक है अद का थोड़ा घट कढ़ी वो बाकी में तुम पानी विझी उनके दोबारा का बॉयल कर दोबारा का पचाई तो सागे तरीके से वो ठही दही विझी छो गुन में बे चमचा ठीक है ओके साईं थैंक यू अल्लाह हाफिज अच्छा ये देखें अब इसमें बॉयलिंग आना शुरू हो गई ठीक है मैं जी बॉयलिंग अच्छा शुरू थी 15 मिनट तक तमाम सुठी खुशबू अचे पी इसमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसमें हमने 750 ग्राम चीनी डालनी है ठीक है इलायची का शरबत ग्रीन कलर का या बना के बोतल में
प्रिजर्व कर सकते हैं, काफ़ी 3 महीने तक आपका ये शरबत चल सकता है। और ये आप जब भी बनाए ही दिल के भी ताकत दिन है, जिगर जी गर्मी जेका होंगी है, मैदे जी गर्मी के भी खत्म कर नंढे पोटन जो जो शरबत हों तमाम बेहतरीन है। लेकिन जो शुगर पेशेंट हैं वे इस्तेमाल न कर में 3 पाजे क्वान्टिटी में असा शरबत में खंड विझू पे। अगर तुम उ पीण चाहो तो बगैर खंड जे तां इन शरबत के भी पी सकूता, ठीक है। जी तुम चाय पींदा हो बगैर खंड जे फिकी चाय भी पींदा हो तो यो शरबत खुशबू होंगी, सब कुछ होंगे, सिर्फ इनमें खंड ना होंगी, वो तुम पी सकूता, कोई इशू ना, ठीक है। लेकिन जिगर की गर्मी ला तमाम बेहतरीन है। जी अजकल गर्मी हले पे उनमें भी यो शरबत तुम ठाओ तमाम बेहतरीन ठाकुर, ठीक है। 10 खां 15 मिंट मुझे 10 मिंट असा थे वाला है, बाकी अना इनके 5 मिनट बो बॉइल कंदी या स्पून हल्दा रहो इनका दाणा नंढे फुटन जहाँ ये निकली वा, ठीक है। 15 मिनट कम अज़ कम आपने इसको इस तरह बॉयल करना है, स्पून चलाते रहें और दाने आपने पहले मसल लेने हैं, ठीक है। वरी रिपीट कराया पो छा टीवी अगर कें हाँ खुली है, लाइट जो भी इशू लगो पो है तो जग पानी यानी 7 खां 8 गिलास पानी खड़ो, उनमें नंढा फोटा कुटे वेझो ताकि उनको मुँह खुली वे, 1 कप पूरा नंढा फोटा वेझो। लेकिन सुठी क्वालिटी जहाँ वो बाज में चवन है दाणा घट हूँ खाली भी होंगे, नंढी जो नंढा फोटा हूँ वे साइज हूँ ये वो, ठीक है। इनके पिसाए 6 कलाक घट में घट पिसाए जो नीम गर्म पानी में, न तो सजी रात पिसाइंद तो सुठो है। उनका इनके मसले छो हथ से हथ धोई इन फोटन से गड ही इनके वापस से पतीले में विझन, इनके 15 मिनट पचाई, 15 मिनट पचाने का कि इनमें खुशबू अची वी पानी में जायको अची वो इनका बिज विज सब इनके अंदर निकली वन। इनके छानंदी छान का वापस पतीले में विझबो, 3 पाक खंड इनके अंदर वी साओ कलर जो हों ग्रीन कलर हों जर्दे जो रंग जो जर्दे में अस मुतंजन में विझा साओ कलर हों, ठीक है। यो विझा इनमें अद चाय के चमचे का थोड़ो मथे बस इनके अस थदो कर रखी छी बिल्कुल जैसे थदो थी वो रूम टेम्परेचर से जी शरबत तुम मार्केट का खरीद कर इंदा एतरो थदो होजन खपे, ठीक है। वो तुम इस बोतल में भरे रखी सो अगर बोतल ना कें शीशे के वे प्याले में भी भरे रखी सो फ्रिज में रखी छो जैसे तक ठाणो हों तो थदे पानी में 3 खाने जा चमचा शरबत विझो उनके मिक्स करे उनमें बर्फ विझी सर्व कर सको था। 1 गिलास खीर में भी 3 खाने जा चमचा तुम विझी मिक्स कौ वो भी तुम सर्व कर सको था। तुख मलंगो ये है तुख मलंगो मैं तक दिखारा इन कर रखो है मोहर्रम में अस जैसे शरबत ठाई तुख मलंगो चवो न्याजबू जो चाहता कब्रिस्तान में भी अस खी वा काफ़ी खुशबू तक होंगी जी तुख मलंगो इनके अस पानी में पिसाइंदी हि 2 खां 3 खाने जा चमचो है, ठीक है। तुख मलंगा मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये तुख मलंगा इजीली हर जगह मिल जाता है, ठीक है। इसको क्या करना है पानी में भिगोना है अपने, ठीक है। पानी में भिगोने से क्या होता है कि ये फूलना शुरू हो जाता है और ये जब हम शरबत बांटने के लिए या वैसे घर में भी गर्मी के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है और ये गर्मी की शिद्दत को भी ख़त्म करता है, ठीक है। इसको आपने पानी में डिप कर देना है, 3 खाने के चम्मच जितना था ये हम शरबत में मिक्स करेंगे। ये सिर्फ ऑप्शनल है, आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आप बना के रख लें जब आपने शरबत बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बॉयलिंग हो गई है, अब क्या करेंगे इसको हमने छानना है सेम प्याले में, ठीक है। हाँ इनके छानंदी छन्नी ले लेते हैं, ठीक है। 15 से 20 मिनट आपने अच्छी तरह बॉयल करना है, चूल्हा बंद करके इसको हमने छानना है, ठीक है। एक स्टैंडर ले लें या मलमल का कपड़ा हो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। छानी हुए या मलमल जो जो कपड़ो होंगे है उनमें भी कर सको था, ठीक है। इनके चंगी तरह प्रेस कंदो, हे दिसो इनका बिज इनकी खल ये सब निकली है, इनके अंदर पानी जो तां कलर दिसो बिल्कुल ज़बरदस्त थी वो खुशबू तमाम सुठी इनके अंदर अचे पी, ठीक है। अच्छी तरह इसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा इस तरह पानी इसी कप में डालें और इसको अगेन इस तरह मसलें, ठीक है। ये हो गया, इसको हम कर देते हैं साइड में। अब दोबारा क्या करेंगे, इस पानी को अगेन हम इसमें डालेंगे, ठीक है। छानने के बाद दोबारा उसी पतीले में डाल दें, बहुत एहतियात से गर्म होता है ये करने के बाद। हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे 750 ग्राम चीनी, ठीक है। 750 ग्राम यानी 3 पाक खंड हली वही, ठीक है। 3 पाक खंड विधि उनका पोई छा कंदासी इनके अगेन असा बॉइलिंग ते रखंदासी 15 मिनट, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है अगेन बॉयलिंग पे रखना है और इस दौरान हमने ग्रीन फूड कलर हरा कलर जो होता है ये ले लेना है, ठीक है। ये इसमें 1/2 टीस्पून जितना जाएगा, ठीक है। मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, 1/2 टीस्पून जितना आपने डालना है। पाउडर वाला ले लें
लेकिन ये बॉर्डर में भी कंपनी का मिल रहा है, ठीक है। वो जो पैकेट्स में खुला मिलता है वो ना लें, वो पता नहीं कौन सा होता है जो दुपट्टे वगैरह डाई करते हैं, वो कलर भी आजकल लोग बेच रहे हैं। ये देखें, इस तरह का कलर आएगा, डार्क सी ग्रीन सा इसका कलर आ गया, ठीक है। इन जो कलर अचे पो इनके चंगी तरह तां बॉयल कंदो। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कहाँ गायब हैं बिल्कुल? अरे बस मत पूछो, हमारी सिम बंद कर दी थी, बताओ जरा। क्या बंद कर दी? सिम टीवी बंद हो गया था? नहीं नहीं, सिम बंद कर दी थी यू फोन की ना परसों। अच्छा अच्छा, तो वो मैंने अभी जाकर खुलवाई है, एक्टिव नहीं सब कुछ करवा लिया था मैंने। अच्छा, वो बस फिर दौड़े लगवाना है ना सबकी। अच्छा क्या? तो मैं आपका देख रही थी। हाँ, आपके मैसेजेस आ रहे थे लेकिन कॉल नहीं आ रही थी ना। नहीं नहीं, मैसेज तो आपके आ रहे थे लेकिन कॉल पे नहीं थी, ये आपने नहीं बताया था कि ये मसला है। जी, मैविच ने वो बनाया था आपका बनाना पुडिंग ना। अच्छा, कैसा बना? तो वो कह रही थी कि मम्मा तुम बता देना फैसल भाई को। मैंने कहा हाँ मैं बता दूंगी फैसल को कि उसने बनाया था, बहुत अच्छा बना। चले अच्छी बात है, ट्राई किया आपने। बिल्कुल। और क्या बना रहे हैं आज आप? लाइट नहीं है क्या आपकी? नहीं लाइट है, मैं अभी आई हूँ ना बाजार से। अच्छा, मैं इलायची का शरबत बना रहा हूँ और गुलाब का शरबत बना रहा हूँ और बादाम का शरबत, क्योंकि मोहर्रम स्टार्ट हो रहा है ना, हो गया है तो उस नियाज वगैरह होती है तो लोग बनाते हैं, तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ ये बनाना। अच्छा, वो तो खैर मैं अभी टीवी खोला है मैंने, आके अभी मैं देखती हूँ। हाँ बिल्कुल, लिख भी लूंगी। ये शायद आपने बनाया है ना? पहले बनाया था मैंने, हाँ रमजान में बनाया था, लेकिन दोबारा रिपीट करूँ। जी जी, मेरी तरफ से सबको सलाम पूरी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आने वाला बस ये साल इस्लामी हम सबको जो है ना अल्लाह ताला बिल्कुल खैर आफिस से गुजर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इनके हाँ इतरो बॉयल करना है कि ही घाटो शीरो थी विंदो, ठीक है। ये जब गाढ़ा होने लगेगा ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, 15 से 20 मिनट ये लेगा, ठीक है। 15 से 20 मिनट लेगा ये बॉयल होगा, अच्छी तरह इसको बॉयल होने दें। कलर हमने डाल दिया, इसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। अब दूसरे शरबत पे आते हैं जो हमने दूसरा बनाना है, ठीक है। ये बॉयल थी इनके माइते शिफ्ट किया हुआ है, 15 मिनट यो बॉयल थो रो जिन जिन तक खंड मेल्ट थी, खंड पांजो पानी छड़ी, उनका पो छा थो है कि ये घाटो थियण शुरू थो, ठीक है। ये घाटो थो जो शरबत हों, घाटो थी 15-20 मिनट में, सफा घाटो को जो चाशनी वगर घाटो को थोड़ा उनको घट हों, जैसे घाटो थोड़े असं कटासी थदो कर सफा तो इनके रख, ठीक है। हाँ सेकेंड शरबत जो असो है, सेकेंड असो है बादाम जो शरबत, ठीक है। बादाम के शरबत के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम लेते हैं एक कढ़ाई, दोबारा रिपीट भी करा रहा हूँ बादाम के शरबत के लिए, ठीक है। बादाम जो शरबत ला, एक कप बादाम खणंदो, एक खाने जो चमचो नंढा पोटा यानी 12 आदत खणी वठजो, सुठा बीज जूझन जो, ठीक है। उनके जूसर मशीन में ब्लेंडर में विझंदो, 1.5 कप पानी विझंदो, इनके चंगी तरह पीसणो है, ये ॾिसो बिल्कुल इन तरीके से पेस्ट ठही वेंदो, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको पीसना है। इसमें छोटी इलायची है 12 आदत और 1 कप या 1.25 कप बादाम ले लें, उसको आपने ब्लेंडर में डालना है। उसके बाद 1.5 कप पानी के साथ आपने इसको पीस लेना है अच्छी तरह, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके लिए शीरा तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप चीनी। जी ब्रेक जो टाइम टेबल मैं चूल्हो बंद किया, तो ब्रेक खा पहुँची, ये सेकेंड शरबत स्टार्ट करना से वटू देखिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़िम, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका ग्रीन वारो शरबत ठहे पियो इलायची वारो नंढे फुटनि जो, उहो तयारु थिए पियो, ठीकु आहे। ग्रीन वाला शरबत जो बना रहा था, इलायची का जो बन रहा है उसको मैंने साइड में कर दिया। इतना बॉयल करना है कि शीरा सा तैयार होने लगे, ठीक है। गाढ़ापन आ जाएगा, आपको कंसिस्टेंसी अपने पता चल जाएगी। लास्ट में हम इसमें केवरा वाटर डालेंगे, अभी मैंने नहीं डाला। सेकेंड हम स्टार्ट करें गुलाब का शरबत, ठीक है। गुलाब जो शरबत जो है असंखे छा खपे, इतने विझंदासीं खंड 1/2 किलो खंड, ठीक है। 1/2 किलो हमने लेनी है चीनी और इसमें हमने डालना है 1.5 कप पानी। 1/2 किलो चीनी में 1.5 कप पानी जाएगा, ठीक है। इसका शीरा बनेगा, ठीक है। 1/2 किलो खंड में 1.5 कप पानी, इनमें इलायची जो धाणो अच्छे पे कटी डाटू, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, सेकंड रेसिपी गुलाब का शरबत, 1/2 किलो चीनी, 3 पाव तक भी जा सकते हैं, बल्कि बढ़ा ही देते हैं, शरबत ज़्यादा बन जाएगा, काम आ जाएगा, ठीक है।
ये आपने क्या करना है, 750 ग्राम कर दी मैंने चीनी, ठीक है, 3 पाव चीनी कर दें, आधा किलो तक भी कर सकते हैं, और 1.5 कप पानी डालना है, ठीक है। इसको अब डिसॉल्व करना है, ये हम बना रहे हैं गुलाब का शरबत, ठीक है। इसमें जब चीनी डिसॉल्व हो जाएगी अच्छी तरह, उसके बाद इसमें क्या करना है, रेड कलर, गुलाब का कलर देने के लिए, और रोज़ वाटर, ठीक है, किसी अच्छी कंपनी का ले लें, नाम नहीं लूँगा, आजकल बड़े आउटलेट्स इनके मशहूर हैं, जगह जगह काफ़ी सारी प्रोडक्ट मिलती हैं हर्बल की, उन्हीं से ये ले लें, ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो किसी अच्छी कंपनी का ले लें, ठीक है। एक गुलाब जो पानी आए इजीली मिली थे उन्हें हर जगह, आजकल लेडीज़ वगैरह काफ़ी यूज़ करनी है, मेकअप के दौरान भी स्प्रे भी जो मिले तो वो भी तुम यूज़ करे सको था पानी, 1 कप गुलाब जो पानी गाढ़ो कलर इनके अंदर वो, लेकिन हाँ अ विजासी पे इनके साथ डिजॉल्व कंदी शरबत के, ठीक है। इसको अच्छी तरह चीनी को हमने डिजॉल्व करना, लाओ, ठीक है, ये भी चीनी आ गई, तो फुल आंच पे ही करें ताकि ये भी बन जाए। उसके बाद आपको शरबत बनाना भी सिखाऊंगा, ग्लास में किस तरह आपने इसको सर्व करना है। अच्छी तरह डिजॉल्व करें चीनी को, ठीक है, चंगी तरह ही चीनी खंड के अंदर निकली बने, बिल्कुल ही चाश ठही वी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, 750 ग्राम या आधा किलो, 500 ग्राम होती है, ठीक है, 3 पाव या आधा किलो, वैसे 3 पाव ज़्यादा बेस्ट है, बिल्कुल बैलेंस रहेगा, ठीक है। 3 पाव आपने चीनी लेनी है, ये आपकी एक बोतल पूरी जैसे होती बड़ी वाली, 1.5 लीटर वाली पूरी भर जाएगी, लेकिन प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की कोई खाली बोतल यूज़ नहीं करनी है, शीशे की बोतल नहीं तो फिर शीशे का बॉल जैसे ही मैं यूज़ कर रहा हूँ इस तरह के ले लें, उसमें रखें, कभी भी प्लास्टिक के जार में प्लास्टिक के जग में ये चीज़ें नहीं रखें, शीशे के जग में, शीशे की बोतल उसमें संभाल के रखें तो ये ख़राब नहीं होता, ठीक है, प्लास्टिक में ख़राब हो जाता है। इसको अच्छी तरह देखें, ये शीरा तैयार हो रहा है, रोज़ वाटर इसमें डालेंगे, कहीं शरबत भी जल्दी तैयार थे, ठीक है, गुलाब का शरबत फौरन तैयार होने वाला है, इसमें कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बस चीनी आपकी डिसॉल्व हो जाए, बिल्कुल ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। यहाँ पे इसको देखते हैं, इसमें अभी टाइम है, इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया है, बॉयलिंग में फुल आँच पर मैं बॉयल कर रहा हूँ, ठीक है, फुल आँच पर बॉयल होगा, इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया, यहाँ पर चीनी हमारी डिसॉल्व हो गई है, थोड़ा मैं इसमें पानी की एडिशन कर रहा हूँ, आप देखें अगर आपको इसमें वाइटनेस थोड़ी लगे तो थोड़ा 1/4 कप पानी अगेन डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 1/4 कप पानी अगेन डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर जलना शुरू हो जाएगा। बस ये तैयार हो गया, अब हम इसमें डालेंगे रेड फूड कलर, चीनी हमारी डिसॉल्व हो गई, ठीक है, रेड फूड कलर 1/2 टीस्पून, आधा चाय जो चमचो गाढ़ो रंग, ठीक है, सुठी कंपनी जो वर्जो, कलर आ गया रोज़ का, ठीक है, ये हो गया। जब चीनी हमारी डिसॉल्व हो जाए, रेड कलर डाला फूड कलर, उसके बाद ये अच्छी कंपनी का लीजिएगा रोज़ वाटर, ठीक है, ये मेरे पास पूरा 1 कप है, चूल्हा बंद करके ये मैंने इसके अंदर मिला दिया, 1 कप गुलाब का पानी, इसके अंदर खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, ठीक है, गुलाब की खुशबू आएगी बिल्कुल, जैसे गुलाब का शरबत होता है, ये आपने तैयार कर लिया, ठीक है, ये डाल दिया, रेड भी थी वो कलर इनके अंदर, ये शरबत असा थी वो तैयार, बस हाँ इनके लाई चंदा से, ठीक है, इसको हम उतार देते हैं शरबत को ताकि ठंडा हो, बस 2 मिनट इसको घुमाते रहें इस तरह ताकि इसके अंदर आपका वो बिल्कुल इसमें निकालते हैं समझी हो, ठीक है, ये देखो, ये सफ़र घाटो है, वधीक इनके हाँ बॉयल ना कंदासी, ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा है, शीरा सब बन गया, ये ठंडा होगा और गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया तैयार, ठीक है, गुलाब जो शरबत इन्हें जो भी शरबत बाद में ठाईंदा सी ट्रई मां सर्विंग तक दिखांदम कि कें इनके असके पानी में मिलाइण है कें तरीके से असके खीर में मिलाइण सब तरीको भी तक नेक्स्ट ब्रेक में बुधाइंदा सी, ठीक है। यहाँ पे ये तैयार हो रहा है, इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे बादाम का शरबत, ठीक है, ये शरबत मैंने आशूरा के हिसाब से मुहर्रम के हिसाब से बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे खासा इसमें भी बन जाएगा, इसमें भी आपके तकरीबन 12 जग आराम से बन जाएंगे, ठीक है, जिस क्वांटिटी में मैंने बनाया 12 से 15
मीठा जो बैलेंस होता है अच्छा मीठा हो तो 12 जग वरना 14 जग तक, 13 से 14 या 15 जग तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है, पानी इसमें डाल के। लेकिन बहुत ज़्यादा फिर आपको चीनी की अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप एक्स्ट्रा डिजोल्व करके चीनी का शीरा बना के एक दो कप चीनी ले लें, दो कप पानी का शीरा बना के वो डाल सकते हैं, जैसे हम शरबत को बढ़ाने के लिए या शरबत में मीठा बढ़ाने के लिए करते हैं, वो आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। इसको 20 मिनट पूरा हमने बॉयल करना है, अभी 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट ये और बॉयल होगा उसके बाद हम इसको निकालेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी एंड शरबत जी रेसिपीज जो तुम जिला ठाई पे इनके नोट कंदा वनजो, ठीक है। ग्रीन वारो भी थी और रेड वारो भी थी हो। हाँ साई वाले के कटासी प्याले में इनमें कटूँ था, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे बादाम का शरबत और इसको ठंडा करना है बिल्कुल, ऐसे नहीं कि आपने गर्म, ये भी ठंडा करके सर्व करें। और जैसे आपने मुहर्रम में बनाना है शरबत डेली बना के आप न्याज करना चाहते हैं, डेली भी लोग देते हैं तो आप डेली बना सकती हैं, इतना महंगा भी नहीं पड़ता और कम क्वांटिटी में अच्छा शरबत। इसमें आप दूध अगर मिलाना चाहेंगी ना तो एक जग में आपने ये हाफ कप डालना है, ठीक है, हाफ कप, आधा कप ये वाला सिरप डालना है रोज़ का और एक जग के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। एक जग खीर में अगर ठाओ पिया तो इन जो अध कप विझ जो मुनो कप विझी सको तो उनका मथे ना विझो, ठीक है। मिठो थी वो कलर भी पिंक अची वो जी गाढ़ो शरबत होंगे खीर वो, ठीक है। बाद में उनमें बादाम विझी सो पिस्ता विझी सो जो तुटो लगे टुख मलंगो है वो पानी में पिस्ता विझी सो बर्फ विझो। अगर सादो ठाणो तो पानी में जी मैं बुधाओ कि जग में केतो विझो तो पानी में भी एतो ही विझो, ठीक है। अगर खीर में भी जितनी क्वांटिटी में विझो तो पानी में भी अगर ठाई तो सेम क्वांटिटी में मुनो कप विझी छो एक जग में, ठीक है। समझ आ गई होगी क्वांटिटी, एक जग में आपने पौना कप डालना है दूध में, अगर एक जग दूध है, ठीक है। क्वांटिटी फिर आप अपने हिसाब से बढ़ा सकती हैं। और अगर पानी में ठंडे पानी में बर्फ़ के पानी में बना रही हैं तब भी आपने पौना कप डालना है ये एक जग पानी में, ठंडे पानी में। फिर बर्फ़ डालें इसमें, बादाम पिस्ता डालें जो आपको अच्छा लगे, आप तुख मलंगा डालें, फिर आप सर्विंग अपने हिसाब से इसकी कर सकती हैं, ठीक है। इनमें भी हाँ ये बॉइलिंग जितनी थी, ठीक है, बबल्स ठंडा है जो मतलब तैयार थे शुरू थोड़ा खंड जो जो पानी हों, खंड अस बॉयल कई इनके अंदर, खंड जो पानी जैसे इनमें डिजॉल्व थो चंगी तरह खत्म थो इनमें बॉयलिंग इंदी है, बबल्स ठाईंदा, ठीक है। बलून वगर ये बबल्स ठन पाया तो मतलब ये तैयार थे पो छाकाण तो खंड जो पानी हाँ खत्म थे लगो है घाटो थे लगो, ठीक है। इनमें इनकर 20 मिनट का 25 मिनट ये 15 का 20 मिनट तक में 40 मिनट में ही शरबत तुम तैयार थे, ठीक है। अना प्रोग्राम मुझे 40 मिनट जो को टाइम तो उन हिसाब से अना ही तैयार थे पे, ठीक है। बादाम जो शरबत, बादाम के शरबत ला असेंगे खपे इन की भी असं चाश ठाईदी। अब बादाम के शरबत पे आते हैं जब तक ये बॉयल हो, क्योंकि उसको हमने ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि ये वाला जो शरबत बन रहा है हमारा उसमें टाइम लगता है, ठीक है। बादाम के शरबत के लिए भी हमें कितनी चीनी चाहिए और कितना पानी चाहिए ये भी आपको मैं बताता हूँ। इतने असेंगे खपे खंड एक कप मेजरमेंट वारो मोट आए, ठीक है। इसके लिए हमने चीनी लेनी है, चूल्हा पहले बंद कर देते हैं, डायरेक्ट चीनी गर्म होके जलना शुरू हो जाती है, एक कप और ये दो कप, ठीक है। ये इसकी चाशनी बनेगी, शीरा बनेगा। दो कप चीनी और पानी भी इसमें जाएगा दो कप, बल्कि 1.5 कप कर लेते हैं क्योंकि बादाम में भी हमने पानी डाला हुआ, ठीक है। 1.5 कप पानी 2 कप चीनी बस काफ़ी है, क्योंकि बादाम में भी पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा फिर गाढ़ापन नहीं आएगा। चीनी में कभी ऐसे दाल का पीस आ रहा होता है कुछ आ रहा होता है तो वो निकाल लिया करें, ठीक है। क्योंकि चीनी परचून की शॉप्स में मिलती है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आ ही जाता है, चावल का कभी दाना आ जाता है कभी दाल का आ जाता है इस तरह, तो वो निकाल के साफ करके डालना है, ठीक है। हाँ छकंदा से इतने थर्ड रेसिपी से तैयार थे पाई, थर्ड कड़ी है बादाम जो शरबत, ठीक है। बादाम के शरबत लाए भी असा खंड के डिजॉल्व कंदासी में, ठीक है। 2 कप खंड या भी सेम क्वांटिटी में सेम तरीके से ठहे पे हो, सिर्फ ही छाए कि बादाम जो है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, बादाम का शरबत बना रहे हैं, इसके लिए हमने 2 कप चीनी 2 कप पानी लेना है और इसको हमने डिजॉल्व करना है। और यहाँ पर हमने 1 कप बादाम लिया, 1.5 कप पानी लिया, 1 खाने का चम्मच यानी 10 से 12 अदद छोटी इलायची लेनी है, उसको हमने ब्लेंडर में डालना है जूसर में, 1.5 कप पानी के साथ पेस्ट की तरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इसमें बनाने के बाद ब्लेंड करने के बाद इसको अब छानेंगे, ठीक है। अभी मैंने छाना नहीं, पहले शीरा तैयार होगा फिर इसको हम छान के फिर हम निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए भी हमने छन्नी लेनी है और एक बॉल उठा लेते हैं छानने के लिए, फिर इसको ठीक है। बादाम वालों पेस्ट जो जिस तरह इतने चाश तैयार थे पे
ये अच्छी तरह डिजोल्व होना शुरू हो रही है। चीनी बहुत तेज़ आंच नहीं करना है वरना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आ जाएगा। ठीक है, हल्की आंच पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, बादाम, ये देखें, इसको अच्छी तरह बल्कि मुझे हमें इनके ब्लेंड कहें था ना ही सही ब्लेंड कौन थी। ठीक है, इसको एक दफ़ा और ब्लेंड करते हैं ताकि ये और अच्छी इसके अंदर से फ्लेवर निकल के आए। ये दोबारा मैं डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें दाना सा आ रहा है। ठीक है, इसमें यही वाला पानी जो इसका है बादाम का, ये दोबारा डालेंगे। इसको एक दफ़ा फिर करके फिर छानते ताकि अच्छा सा इसके अंदर से पेस्ट निकल आए। ठीक है, ये हो गया, इसको साइड में रखते हैं। यही पानी जो इसका है इसके अंदर डालेंगे, इसको अगेन ब्लेंड करते हैं ताकि इसका मैं चारों और अच्छा सा फ्लेवर निकल के आए। चीनी अच्छी तरह यहाँ पे डिसॉल्व हो रही है हल्की आंच पे। ठीक है, और सेकंड शरबत जो हमारा ग्रीन वाला इलायची का शरबत है वो भी तैयार हो रहा है। चीनी को अच्छा सा डिसॉल्व करें और इन्हें के मशीन में चंगी तरह अना वधिक पीसूँ था, ज़्यादा देर तक हिलाईंदासीं ताकि चंगी तरह जो बादाम जो मिक्सचर है उसको पानी में अचे वाले फ्लेवर। इसको अच्छी तरह हमने चलाना है। ठीक है, तेज़ करके 4-5 मिनट तक चलाएं ताकि बादाम का अच्छा सा टेक्सचर बन जाए, इसके अंदर मिक्सचर निकल आए। तो ये ना घाटो थिए तो थोड़ी देर का 5 मिनट का पंखे भी लाई चला सके। ठीक है, ये भी असान जो तैयार थी हुआ अच्छी तरह ब्लेंड कर रहा हूँ काफ़ी देर तक ताकि जो पीसेज रह गए थे ना उसको भी हमने ब्लेंड कर देना, फिर अच्छा सा इसका सिरप निकलेगा जो हम इसमें चाशनी में डालेंगे बादाम का शरबत बनाने के लिए। ठीक है, 1 कप बादाम, 12 अदर नंढा फोटा और 1.5 कप पानी, बस मापे विझजो और इनके चंगी तरह पेस्ट ठाहिजो, चंगी तरह इनके हलाईंदा रहिजो। जेतिरो इनके हलाईंदो पेस्ट ठहंदो पोइ छाणंदासीं त उहो वधीक सुठो निकिरंदो हुन अंदरां। साथ साथ चेक करते हैं इसको, अब अच्छा इसका पेस्ट बन गया। एक दफ़ा और चला के फिर हम इसको छान लेते हैं। ठीक है, खीर वांगर बिल्कुल ही निकरी आया हुआ जंदरा का सजो जो जो गूदो हों जो पेस्ट ठहो है तमाम बेहतरीन ठहो, अब सही निकल आया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको छानना है खाने के अगेन स्ट्रेनर में छन्नी में बेची छाणंदा से। ठीक है, ये देखें अब परफेक्ट निकला है। अब इसको अच्छी तरह आपने ऊपर से मसलना है ताकि सारा इसका फ्लेवर निकल के आ जाए। ठीक है, फिर बिल्कुल बुरादा जो बच जाएगा वो आपने फेंक देना है। थोड़ा अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम 1/2 कप और डालेंगे क्योंकि मैंने 1.5 कप पानी के साथ किया था, इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम थोड़ा पानी और डालते हैं, थोड़ा सा पानी, 1/2 कप विझी इनके चंगी तरह मिक्स कजो, फिर इसमें जो फ्लेवर सजो निकली तो मेरा थोड़ो थोड़ो पानी करी विझो 3-4 चमचा ताकि ही बुरादो सजो जो अलग थी। ठीक है, ये जो मिक्सचर है पिटो ना कजो, ये तुम खाई सको था। ठीक है, रुको, अच्छा ब्रेक का टाइम आ रहा है, जब तक मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके निकाल रहा हूँ, इसका जो बुरादा बच रहा है इसको भी आप फेंकिएगा नहीं, कहीं मीठे में डाल दें, इसको आप खा सकती हैं, ये ज़ाया नहीं करना है। ठीक है, बट उतरे शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक खा पहुँची रेसिपी कंटिन्यू करना सर। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेको ग्रीन शरबत ठाहियो इलायची वारो नंढे फुटनि जो, इहो तयारु थी वियो आहे। ठीकु आहे, ग्रीन शरबत तयारु हो गया, मैंने इसको निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें केवड़ा वाटर या अरके गुलाब डालेंगे 2 खाने के चम्मच। ठीक है, केवड़ा वाटर या अरके गुलाब, आखिर में इलायची का तो इसमें फ्लेवर है लेकिन केवड़ा वाटर या अरके गुलाब आपने इसमें अच्छी तरह मिक्स करना है और अच्छी इसमें खुशबू आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया तैयार, इसको बिल्कुल ठंडा करना है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल नॉर्मल ये ठंडा हो जाएगा, ग्रीन शरबत, रेड शरबत। ठीक है, हाने हिते छा है बादाम जो शरबत ठहे पियो, बादाम जो शरबत लाए पानी 2 कप और 2 कप खंड। ठीक है, इनके डिसॉल्व कयो, अब हम इसमें ये जो मिक्सचर हमने निकाला था बादाम का ये डालेंगे। ठीक है, ये विझंदासीं अंदर
ठीक है, यो विझण का पोए चंगी तरह के विझी छो और होने का पोए असाइन में इनके कंदासी मिक्स। अब इसमें बॉइलिंग आएगी, ठीक है, ये गाढ़ापन आ जाएगा इसके अंदर भी उसी तरह जैसे बादाम का शरबत देखें इसका कलर मेरे को वैसे ही है जो मिलता है बादाम का शरबत। इनमें भी विझंदासी केवड़ा वाटर या अरके गुलाब व खाने जा चमचा, ठीक है, केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस। अच्छा एसेंस जो मिलो है नंबी बोतल में वो घट विझबो है, वो अद चाय के चमचे का भी घट विझबो है, वो तेज़ हों पानी जो हों अरके गुलाब या केवड़ा वाटर वो विझबो है, वो पतलो हों पानी हों जो एसेंस हों थोड़ो ऑयली शेप में हों खाटो हों सफा, ठीक है, तो इन शो भी ख्याल रखा कि विझद तो खाने में पीण में भी मज़ो ना ऐसा में भी अजीब खुशबू जी अगरबत्ती वगैरह खुशबू अची थी कर मुझी क्वांटिटी घट विझबी है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी हमेशा एसेंस की कम डाली जाती है और जो रोज़ वाटर होता है या अरके गुलाब या केवड़ा वाटर होता है उसकी क्वांटिटी हम जैसे एक टेबल स्पून डालते हैं तो जो एसेंस होता है वो हम हाफ टी स्पून का भी कम डालते हैं, क्वार्टर टी स्पून डालते हैं, वो इतना तेज़ होता है, ठीक है। ये तीनों शरबत आपके सामने मैंने बना दिए हैं, इसको भी हम निकालेंगे और उसके बाद हम ग्लास में बताते हैं आपको ये किस तरह बनता है, ग्लास में मैं बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल प्याला वगैरह सब साफ़ हुजन खपन, पानी ना हुए ये जो शरबत असा ठाईंदा ये वो पानी में ना वने, ठीक है, एकड़ो कतरो भी पानी ना हो उनका यारो लगी वेंदो है खराब थी वेंदो है, ठीक है। जिसमें आप प्याले में निकालें उसमें पानी ना हो, वॉश होने के बाद उसको ड्राई कर दें कपड़े से या टिशू से, क्योंकि उसमें अगर पानी होगा तो इससे ये क्या होता है इसमें जाला लग जाता है, ठीक है, फफूंदी लग जाती है, जाला लग जाता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसमें एक दो बॉयलिंग आएंगी, ये भी गाढ़ा हो गया, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ठीक है, ये एक दो बॉयलिंग के बाद हम इसे भी निकाल देंगे। ये बादाम जो शरबत का तीन शरबत आपके सामने तैयार, ग्रीन शरबत, रेड शरबत और ही वाइट बादाम, ठीक है, गुलाब जो शरबत, इलायची जो शरबत और बादाम जो शरबत ट्रई तैयार थी गया। हाँ अस ग्लास में क्या ठाईदी वो तक दिखाना तो, ठीक है। अब इसको ठंडा करके, लेकिन टाइम इतना नहीं है मेरे पास तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि हमने कितना बनाना है, लेकिन आप इसको ठंडा करके बर्फ़ डाल के बर्फ़ के साथ इसको यूज़ करेंगी तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। चम्मच भी अगर इसमें डालते हैं तो उसको ड्राई करके डालें, पानी वाला ना हो, ठीक है। पहले हम इलायची वाला, बेटा इसमें पानी ले, ठीक है, इसमें हम कितना डालेंगे, 3 से 4 खाने के चम्मच, ठीक है, ये बिल्कुल दूध है, इसमें पानी मिला हुआ नहीं है, ठीक है, 4 से 5 खाने के चम्मच डालें। मीठा अपने हिसाब से आपने चेक करना है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उस हिसाब से ज़्यादा भी मीठा कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़े लंबे ग्लास हैं तो इस वजह से क्वांटिटी मैंने इतनी छोड़ी कि बर्फ आइस क्यूब आप डालें तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थी व्यो सेकेंड जो है वो रोज़ वाटर और सॉरी रोज़ वारो शरबत रेड वारो वो विझूँ था इनके अंदर, ठीक है। कलर्स देखें आप इसके इसी तरह आते हैं लाइट, ये दूध में मैं बना रहा हूँ, इसके भी 4 टेबल स्पून डालें क्योंकि मीठा भी हमने बैलेंस करना है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, बाकी बर्फ़ भी डलेगी इसमें तो क्वांटिटी फिर आप अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। ये हो गया, डालने के बाद तुखमल लंगा पानी में भिगोया हुआ, ये एक एक चाय का चम्मच, एक सिर्फ ग्लास इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें, बाकी आप लोग जग में बनाएंगे तो वो मैंने क्वांटिटी बता दी, ठीक है। जग में ठाणे जी क्वांटिटी में तक बुधाई छी है कि केतरी होंगी, इनके भी मिक्स कर बादाम विझण चाहो था तो इनके अंदर बादाम चॉप कर पिस्तो चॉप कर विझी सको था। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कह रहे हैं कितना गलाया प्या जी? मैं सुमेरा से गलाया हैदराबाद का जी। अदी जी अदा ता जे सो मके दादो वणंदो आ, मेहरबानी तमाम घणी, मके ता सो दादो वणंदो आ, मेहरबानी। को फरमाइश आदी ता जी? जी मां तवा सा पछान दी ता मोरम थो थे तो सा न्याज पकाइंदा आ। न्याज में छा ठाइन छयो पे ता? मां ता के पछान दी ला, अगर को छोलन दी डिश हो जे या को शरबत गए ता जे मां छो दिसो एमन का शरबत थोड़ो गुसी हो, ठीक है। जुमेरात वाले दी अगे खमीस ते मां हलीम ठाइंदम, ठीक है।
जुम्मे वाले डी तुम ऐसो मैं छोलन में पुलाव भी ठाईद चणा जो सादा होंगे मत चटनी वी उनके सर्व कबो है जो विरायबो है न्याज में बई शूँ तुम जुम्मे वाले डी ऐसो ठीक है दी। हेलो ओके जी। अच्छा इनमें भी उन्हीं तरीके से चार खाने के चमचा बादाम जो शरबत आई थदो पानी ठीक है ठंडा पानी चार खाने के चम्मच बादाम का शरबत आपने डाल दिया। तुख मलंगा इसमें भी डाल रहे हैं एक चाय का चम्मच भिगोया हुआ ठीक है। ये हो गए हमारे तीन शरबत और इसी को ठंडे पानी में कैसे बनाना वो भी दिखाता हूँ ठीक है। इन तरीके से तुम ठाईद जग में पाँ हिसाब से ठाईद गिलास की प्रेजेंटेशन बुदाय पे छे जग मोट ना कि मां सजा वो तक कर दिखारा तो गिलास में सही है गिलास में भी तुम पान ठाई सको ठीक है। ये देखें तीन हो गए शरबत एक बादाम का शरबत ठीक है एक गुलाब का शरबत एक इलायची का शरबत। ये दूध में अगर इसको ही चाहें तो दूध में बना सकते हैं इनके भी चाहो तो खीर में ठाई सको तो मैं पानी में ठाया बादाम वो ठीक है। हाँ सादो जो शरबत ठहन है वो ठाई था ठीक है। इसके लिए हमने ग्रीन वाला शरबत उसी तरह पांच खाने के चम्मच ठीक है ये एक गिलास का मैं बना रहा हूँ। इसमें डालेंगे ठंडा पानी आइस क्यूब्स आप लोग डाल दीजिएगा एक चम्मच और डाल मीठा पे आप लोगों ने अपने हिसाब से चेक कर लेना ठीक है। तुख मलंगा इसमें भी डालते हैं तुख मलंगा अच्छा लगता है शरबत में इनके चंगी तरह मिक्स करो बर्फ विझो इनमें ये शरबत ताजो थे तैयार ठीक है। इलायची का शरबत के साथ ठीक है। अब बनाते हैं गुलाब का शरबत चार से पाँच चम्मच खाने के ठीक है इतना ही होता है अंदाजे से फिर आप जितना भी डालें ठीक है। क्वांटिटी में पंजे हिसाब से पानी जी रखिए जी ताकि वणे तो बंद करो। इनमें भी तुख मलूंगा लियो बादाम पिस्तो जो है वो पंजे हिसाब से विझो अच्छी तरह पानी में मिक्स करें ताकि शरबत आपका अच्छा सा मिक्स हो जाए मीठा भी हो जाए ठीक है। अभी मैंने पांच शरबत बनाए आपके सामने इनके पुठियाँ रखूँगा ठीक है। हाँ पंज शरबत थी गया आई बिल्कुल इजी तरीके से अगर तुम इनके ठाण चाहो तो इनके किए तरीके से ठाई सको तो खीर में भी ठीक है। अगर बादाम का शरबत आप दूध में बनाना चाहें तो इसको आप क्या करेंगे कि दूध लें एक गिलास उसमें चार खाने के चम्मच आप बादाम का शरबत डालें बर्फ डालें और तुख मलंगा डालें ठीक है इस तरीके से। ये हो गए सही रखे अरफान हाँ ठीक है ये थी वह सब शरबत असाजा तैयार नहीं तुम ऐसी सको था इस तरह मैंने ये शरबत बनाए और ये तुख मलंगा इस तरह पानी में भिगो देना है आपने और ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है न्याज के हिसाब से मुहर्रम के हिसाब से जिस तरह भी सीज़न चल रहा है तो इसमें आप ये बनाएं और इसको इसी तरह आपने सर्व करना है। अच्छा जग जो वरी बुधाई छा कि एक जग पानी अगर खड़ो था ठीक है बाकी तुम पतीले में अगर वधीक ठाईंदो तो जग के हिसाब से ही तुम पानी विझंदा आयो तो यो नोट करे वठो एक जग पानी में एक कप मुन्नो कप का एक कप शरबत कोई भी इनमें ठाई विझी सोता ठीक है। तुख मलंगो विझो पिस्तो बादाम है बर्फ है वो पंजे हिसाब से तुम क्वांटिटी वे पतीले में अगर ठाओ पा जेतरा जग पानी पेरी इनके मापे छो जेतरी क्वांटिटी में बुधाई है ये मुझे ख्याल में केतरा कप हों अठ कप दह कप जो निकली तो उन हिसाब से दह कप बारह जग चौदह जग पानी खड़ो इन क्वांटिटी जो शरबत में विझो मिक्स कर खीर में अगर ठाया पा तो दह का बारह जग खीर खड़ो सजी क्वांटिटी में जो शरबत ठाया है यो विधो उनके मिक्स कर उनके चेक कजो अगर मिठे में तहां के फर्क लगे पे वधिक है तो उनमें पानी या खीर वधाई छजो अगर तहां के मिठे में थोड़ो वधिक करणो है पो छा कजो अलग सा ब कप खंड ब कप पानी जो चाश ठाजो उनके थदो कजो वो विझी छजो तो बैलेंस थी वेंदो है ठीक है। टई शरबत इन तरीके से ठाईंदो जीअं तहांखे न्याज करनी है ठीक है। इसका क्वांटिटी बता रहा हूँ गिलास तो मैंने आपको बनाना सिखा दिए ये क्वांटिटी एक 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 जग के हिसाब से आपने डालना है एक कप पौना से एक कप और अगर आपने 12 से 14 जग पानी लेना है या दूध लेना है तो ये पूरा शरबत उसमें डाल देना है डिजॉल्व करना है बर्फ़ डालनी है फिर पिस्ता बादाम डालनी है तुख मलंगा जो आपने जिस तरह उसके सर्विंग करनी है और अगर आपको मीठा बैलेंस ज़्यादा लग रहा है
ठीक है, तो आप उसमें दूध या शर्ब पानी ऐड कर सकते हैं थोड़ा हसबे जोद। और आपको मीठा कम लग रहा है थोड़ा, आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपने क्या करना है, 2 कप चीनी, 2 कप पानी को शीरा बना दें, उसको ठंडा करें, ठीक है, सिरप बन जाएगा शुगर का, वो आप उसमें शरबत में मिला लें, बैलेंस हो जाएगा। इस तरह आपने सर्विंग करनी है। इंशाल्लाह कल का ही प्रोग्राम देखिएगा, और जुमेरात को हलीम बनाएंगे, जुमे को छोलों का पुलाव बनाऊंगा जो नियाज में होता है, और छोले अलग से जैसे बॉयल करके हम चटनी बना के ऊपर से डाल के सिंपल से वो भी जो बांटते हैं वो भी बनाना सिखा दूंगा उसका तरीक़ेकार। और सुबह 11:05 पर रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ फैसल, मेरा पेज है, वहीं रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD, यूट्यूब पर सर्च करेंगी वीडियोज़ मिल जाएंगी। टाइम नहीं मिला आज मैसेजेस देखने का, तो मैसेजेस के रिप्लाई में ब्रेक के बात करूँगा, ठीक, सॉरी प्रोग्राम के बात करूँगा, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। सुबह जो 11 लगी 5 मिनट रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ फैसल पेज है, उते सब अपलोड करे थम हिते, अगर लाइट जो इशू थियो आ कुछ थियो आ विच में रहजी वियो को प्रोग्राम ता जो त ता पेज ता वठी सगो ता रेसिपी जेके मैसेजेस आयन उन जो रिप्लाई मा हाणे प्रोग्राम का पो वरी सजे रिप्लाई ता के कंदम। सुभाणी जी रेसिपी दिस जो इंशाल्लाह वरी नेक्स्ट वीक जी भी रेसिपी दिस जो पंजो खोड़ सारो ख्याल जो दुआ में याद रखजो तेसे अल्लाह।